बात से बात चल निकली है, मौजू ये नहीं है, लेकिन अभी एक खातून आई कुछ दिन पहले, बेचारी बड़ी परेशान थी बहू से, बूढ़ी औरत थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में, रोना धोना, मुफ्ती साहब अल्लाह का वास्ता किसी तरह इस बहू को घर से निकलवा दें, यानी तलाक दिलवा दें, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। मैं कभी भी एक तरफा बात सुन के फैसला नहीं करता, ये बहुत बड़ा ऐब है हमारे मुआशरे में, किसी के रोना धोना देख के एक तरफ की बात सुन के फौरन फैसला करते थे। इसमें बड़े बड़े उलमा मुब्तला हो गए हैं, बड़े बड़े उलमा एक तरफ की सुनते हैं और एकदम बस मुतासर होके फरीक मुखालिफ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हमारे जिंदगी के तजर्बे हैं, एक तरफा बात सुन के कभी फैसला मत करो। तो मैंने उनको फैसला नहीं सुनाया कि कौन गलत है कौन सही है, मैंने कहा कि अगर बिलफर्ज ऐसा है, बाज़ दफा हो भी सकता है भाई वाकई जुल्म कर रही हो, तो मैंने कहा उनको तलाक के बजाय आप बेटे को अलग कर दो कि भाई बेटा इस ये मेरे से ना बात करती है ना खिदमत, तो आजकल बहुएं वैसे ही छोड़ दी हैं, खिदमत विदमत गई तेल लेने के लिए, आजकल जो नई नस्ल है ना इनसे खिदमतों की तवक्को ना रखें, ये बहुत ही मामला ख़राब है, माँ बाप सिखाते ही नहीं है, माँ बाप ने सारा जो है ना एजुकेशन को फोकस किया हुआ है और एजुकेशन का मकसद है दौलत कमाएं बस, ये जो है ना एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता कि ये डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करेगी, मकसद होता है कि पैसे कमाएगी, ये MBA कर रही है पैसे कमाने के लिए, बिजनेस पढ़ रही है पैसे कमाने, पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कोई खुदा है ही नहीं आज, ये सब टोपी ड्रामे हैं कि एजुकेशन वेल एजुकेशन तो फिर से मिच्योर होगा, ये मिच्योर हुआ क्यों नहीं है भाई, है भाई, जो औरत अपना घर नहीं संभाल पा रही, अपने बड़ों का अदब नहीं कर पा रही है, उसे ये तमीज़ ही नहीं है कि ख़ानदान के बड़ों का अदब क्या होता है, उनसे बात कैसे होती है, बड़ों को अगर गुस्सा आए तो छोटों को चाहिए कि उसको बर्दाश्त कर लें, ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, ये एजुकेशन है, जितनी ज़्यादा एजुकेटेड होगी उतनी बदतमीज़ होगी, माजरत के साथ वो ख्वातीन जो बयान नहीं सुन रही उनके अलावा, वो गाँव देहात की जो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई होगी ना वो फिर भी अदब तमीज़ से बोलो भाई रह लेगी, अदब तमीज से रह लेगी। हमारे एक दोस्त की दो बीवी हैं, दोनों गांव की देहाती हैं, बहनों की तरह रह रही हैं घर में, बड़े अच्छी जिंदगी, मैं हैरान होता हूँ यार ये तुम्हें तो अजायब घर में रखना चाहिए, वो कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए, सुकून से रहती हैं, माँ का एहतराम यानी सास का एहतराम करती हैं, शोहर को इज्जत देती हैं, शोहर भी फिर खर्च करता है, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, एक चीज पढ़ ली है उन्होंने बचपन से, माँ बाप ने पढ़ा दी थी कि बड़ों का एहतराम, शौहर का एहतराम, सास का एहतराम, ससुर का एहतराम, घर बसाना है, तो सोकन होके इकट्ठी हैं, तो एजुकेशन की हम कायल हैं, एजुकेशन अच्छी चीज है, लेकिन पहले तहजीब है, तमीज पहले है एजुकेशन बाद में, तो माँ बाप तमीज नहीं सिखाते, अपना अदब नहीं सिखाते, सास ससुर का कहां सिखाएंगे, माँ बाप अपनी अपना अदब नहीं सिखा रहे, क्या हो गया भाई, हकीकत बता रहा हूं, अपना अदब नहीं सिखा रहे, बच्चे बाप की टोपियां उछालते रहे, बदतमीजी करते रहे, अब्बा हंस रहे होते हैं उनके सामने, मां हंस रही होती है, बेटी मां के सामने चीखती चिल्लाती रहे, शोहर हंस रहा होता है, देखो कैसा जवाब दिया ना बेगम तुम्हें टिका के, तुम्हें ऐसी बच्ची चाहिए थी, ये नहीं कि उसको एक थप्पड़ लगा दे, बेटा मां है तुम्हारी, मां है, कैसे बात कर रही हो, मां बच्ची को सिखाती है झूठ बोलना शोहर के सामने, मां जब अपने शोहर के साथ बेटी के सामने झूठ बोलेगी यानी शोहर को बेवकूफ बनाने के लिए, बेटी को पता होगा कि मेरी अम्मा मेरे अब्बा को बेवकूफ बनाती है झूठ बोल बोल के, तो मां अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखा रही है कि नहीं सिखा रही है, कि भाई जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है टोपियां करा करा के, सच वच बोल के नहीं कोई जिंदगी गुजारता, तो जब वो बेटी आपके सामने झूठ बोलेगी तो आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है, क्या हो गया भाई, समझ में आ रही है बात, भाई जब आप अपने मियां के सामने झूठ बोलती हो और बेटी को पता है कि मेरी अम्मा क्या कर रही है, सफेद झूठ बोल रही है, साफ मतलब है कि आप बेटी के दिल से झूठ की नफरत
खत्म कर रही हो, तो जब खत्म कर रही हो तो बेटी फिर आपके सामने भी झूठ बोलेगी अगर समझदार होगी। बेवकूफ होगी तो वो कहेगी बस अब्बा के सामने तो झूठ बोलना जायज है, अम्मा के सामने झूठ बोलना जायज नहीं है। ये परले दर्जे की अहमक होगी, ये बेवकूफ। अकलमंद होगी तो कहेगी जिस बाप को टोपी कराना जायज है तो मां को टोपी कराना जायज क्यों नहीं है, उसके सामने झूठ बोलना जायज क्यों नहीं। जब बीवी, जब मेरी अम्मा मेरे अब्बा के सामने जबान चलाती हैं तो मैं भी अम्मा के सामने जबान चलाऊंगी तो क्या गुनाह हो गया। भाई शोहर का रिश्ता काबिल एहतराम है तो मेरी अम्मा जब एहतराम नहीं करती तो अम्मा भी तो काबिल एहतराम है तो मैं एहतराम क्यों करूं। तो ये कल्चर यही है, ये सब चलता है। समझने के लिए समझ रहे, तो दीन अपनी जिंदगियों से निकाल दोगे ना मेरे भाई तो कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय दौलत, पैसा 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 पैसा, बस हर चीज क्या बना दी है पैसा। और इसका अंजाम बहुत बुरा है, अंजाम बहुत बुरा, अंजाम वही होगा जो चाइना का हो चुका है। आपके सामने इन कौमों की अच्छी चीजें आती हैं, इनका जो अंदर का कल्चर है वो उन्हीं वही लोग जानते हैं जो इनके घरों में रहते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, अच्छे भी समझेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना आपके तो अच्छे भी समझेंगे। अभी देखो क्या खबरें आ रही हैं कोरोना वायरस के बारे में, कैसे भाग रहे हैं अपने लोगों को छोड़ छोड़ के। ओ भाई गम में तो अपनी कौम का साथ देना पड़ता है। बताओ आपके घर में अल्लाह न करे किसी को टीबी हो जाए, आप इलाका छोड़ के भाग जाओगे या उसकी तीमारदारी करोगे, हैं आप कर लोगे, चाइना वाला नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, बोलेगा मरना जाऊं।